नमस्कार, स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही में कथा राघव को बिस्किट पेश करती है। वह चढ़ाते हुए पूछता है कि क्या वह उसे पसंद करती है। कथा अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए ज्यादा समय का अनुरोध करती है। राघव का दावा है कि सगाई होने के बाद वह उसकी हो जाएगी। कथा जीवन भर नहीं बल्कि जल्दी शादी करना चाहती है। तेजी को चिंता है कि कथा और व्यान से मिलने से उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और वह फराह को पर विश्वास करती है। तेजी सोचती है कि क्या उसे व्यान को राघव और कथा के बारे में बताना चाहिए ताकि उसे चौंकाने और दिल तोड़ने से बचाया जा सके। राघव कथा के शादी के प्रपोजल के बारे में पूछता है। वह रोमांचित है और प्रपोजल करता है और तुरंत शादी कर ले, लेकिन वह अपने मेडिकल ड्यूटीज को समझता है। सब कुछ ठीक हो जाने पर शादी शुरू हो सकती है। राघव कथा से उसकी कल की योजनाओं के बारे में पूछता है। कथा कहती है कि उसने सिंगल्स गेट टुगेदर का आयोजन किया है। राघव ने उसे अपने 3 महीने की सालगिरह के मौके पर कार्यक्रम के बाद डिनर पर इनवाइट किया है। कथा उसके साथ जाती है। जब तेजी आती है तो व्यान हंसता है। वह उससे कहता है कि आरव की दीवार कला प्रफुल्लित करने वाली है। व्यान को उम्मीद है कि वो कथा के बिना भी सफल हो सकता है। तेजी के बोलने से पहले लीसा अपने अवसर ड्रेस के साथ आती है। व्यान ने फूलों के बने कंगन का प्रपोजल रखा जो प्यार का प्रतीक है। नहीं, कथा को फोन किया और लीसा को व्यान का संदेश दोहराया। कथा व्यान द्वारा सुझाया गया फूल कंगन पहनती है। इस अवसर पर व्यान के साथ आने के लिए तेजी ने लीसा को थैंक्स किया। लीसा का मानना है कि व्यान कथा को पुनर्जीवित कर सकता है। तेजी को आश्चर्य होता है कि अगर कथा आगे बढ़ गई तो क्या होगा। टेबल की सजावट और केक कथा को आश्चर्य करता है। राघव उसका परिवार और आरव उसे आश्चर्यचकित करते हैं। रूही कथा के पसंदीदा रेस्टोरेंट को आरक्षित करने के लिए वादा करती है। रूही आरव के साथ अच्छी बहस के बाद सब कुछ प्रतिबंधित करने की पेशकश करती है। राघव कथा से पूछता है कि वह कितनी खुश है। कथा सहमत है। वह कहती है कि वह यह सच है और हर किसी की खुशी के लिए ये जरूरी है। फिर राघव को उम्मीद है कि कथा को खुशी मिलेगी। जब आरव चिढ़ जाता है तो राघव उसे सामुदायिक क्रिकेट खेलने के लिए बोलता है। कथा एक फूलदार कंगन बनाती है और आरव पूछता है कि यह किसके लिए है। कथा आरव से पूछती है कि क्या उसे अपने पुराने स्कूल की याद आती है और कहती है कि वह उसके स्टूडेंट्स के लिए है। आरव का कहना है कि उसे किसी पुरानी चीज की जरूरत नहीं है। व्यान आरव के बारे में जानने के लिए उसके पुराने स्कूल में जाता है और उसे याद करता है। कथा रूही से कहती है कि वह अपने साथियों के मजाक का प्यार से जवाब दे। आखिर में व्यान को लीसा के लिए कथा बॉक्स मिलता है और गलती से उसे राघव का बायोनियारी मिल जाता है।